गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर, सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक और इसमें देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो आप भी अपनी बुक ओपन करेंगे और देखिए, चलिए बुक ओपन करते हैं। इसमें हमने जो पढ़ा वो है हमारा लेसन नंबर 5, प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज़ किए जाने वाला जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसमें हम करने जा रहे हैं, देखिए इसमें हम करेंगे आज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए किस किस तरह के होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, 6 तरह के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन, लेट अस स्टडी पजेसिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन्स शो पोजिशन और रिलेशनशिप ऑफ अ थिंग पर्सन टू अनदर थिंग पर्सन। तो पजेसिव क्या होता है, किसी का किसी चीज़ के ऊपर जो पोजिशन होता है, अधिकार होता है, तो वही हम इसमें देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में भी वही चीज़ होती है कि पजेसिव प्रोनाउन शो पोजिशन और रिलेशनशिप ऑफ अ थिंग पर्सन टू अनदर थिंग और पर्सन। किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या संबंध है, तो यही पजेसिव प्रोनाउन में देखा जाता है। ठीक है, वर्ड्स लाइक योर्स तुम्हारा, माइन मतलब मेरा, हिज हर्स अवर्स एंड देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउन। तो ये वर्ड्स जो उसमें दिए गए हैं, जैसे आपका योर्स हो गया, माइन हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, अवर्स हो गया, देयर्स हो गया, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। वो बुक किसकी है, मेरी है, MINE, माइन। माइन मतलब मेरा, मेरा उसके ऊपर क्या है, उस किताब के ऊपर मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है, तो वो किताब मेरी है। नेक्स्ट है, दिस हाउस इज अवर्स, मतलब अवर्स मतलब हमारा, वो घर किसका है, हमारा है, उसके ऊपर हमारा पोजीशन है। दिस इरेजर इज हर्स, ये इरेजर है ये किसका है, हर्स, हर्स मतलब किसी लड़की के लिए आया है, तो ये इरेजर उसका है। डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए क्या डिफरेंस है, ये देखिए, दैट इज़ नॉट योर शर्ट, इट इज़ माइन, ये तुम्हारी शर्ट नहीं है, ये किसकी है, मेरी है। आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, प्लीज़ लेंड मी योर्स। आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, माई मतलब मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया हूँ, प्लीज़ लेंड मी योर्स, क्या आप मुझे अपना दे सकते हैं अम्ब्रेला। योर्स मतलब जिससे हम मांग रहे हैं, तो उनका। Is that your bag? क्या ये तुम्हारा बैग है, तो जिससे पूछा जा रहा है, तो उसने क्या जवाब दिया, Yes, it is mine, मतलब ये मेरा बैग है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो उसे आज हम करेंगे। तो देखिए, The forms my, your, their, her, his, our and its also show position, but these are used before a noun. लेकिन ये कब यूज़ किए जाते हैं, नाउन से पहले, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसीलिए इनको कहा जाता है पजेसिव एडजेक्टिव्स। नोट, द वर्ड हिज इज यूज बोथ बिफोर नाउन्स एंड विदाउट नाउन्स। द वर्ड इट इज़ यूज ओनली बिफोर नाउन्स, इट हैज़ नो फॉर्म टू बी यूज विदाउट नाउन्स। तो इसमें हमें दिया गया है सी पार्ट जो हम करेंगे। Fill in the blanks with suitable possessive adjectives and possessive pronouns. One has been done for you. To first dekhiye, I gave her - phone number and she gave me - I gave her, I matlab main, to main, I gave her, maine unhe number diya, kiska, my, mera, main,
मेरा, मैंने नंबर दिया अपना मेरा, एंड शी गेव मी, और शी मतलब लड़की, तो लड़की के लिए क्या आएगा हर, तो यहाँ पे होगा हर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आई गेव हिम डैश फोन नंबर एंड ही गेव मी डैश। यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि किसकी बात हो रही है, गर्ल की है, ही है, शी है, आई है, ठीक है। थर्ड है ही गेव हर डैश फोन नंबर एंड शी गेव मी डैश फोन नंबर, दे गेव अस डैश फोन नंबर एंड वी गेव देम डैश। नेक्स्ट है फाइव शी गेव हिम डैश फोन नंबर एंड ही गेव हर डैश। इसमें आपके टोटल जो आपको करने के लिए दिए गए हैं एक्सरसाइज वो है 10, इसमें से मैं आपको समझा रही हूँ और केवल मैं 5 करवाऊँगी, रिमेनिंग 5 आपने अपने आप से करने हैं, तो इसलिए आपको इसे क्या है ढंग से समझना है। तो देखिए कॉपी में देख लेते हैं, क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, डे 13th August 2021, लेसन नंबर 5 है, लेसन नेम है प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स हम कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखिए आई गेव हर डैश फोन नंबर एंड शी गेव मी डैश, तो आई गेव हर यहाँ पे आएगा माई फोन नंबर एंड शी गेव मी हर्स, ठीक है। सेकेंड है आई गेव हिम डैश फोन नंबर एंड ही गेव मी डैश, तो आई गेव हिम यहाँ पे भी माई आएगा फोन नंबर एंड ही गेव मी ही के साथ क्या आता है हिज, तो यहाँ पे क्या आएगा मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया, और जिनकी बात हम कर रहे हैं वो क्या है मेल है, तो मेल के लिए ही आता है और ही के लिए जो प्रोनाउन आता है वो है हिज, तो यहाँ पे क्या आएगा हिज डैश। थर्ड नंबर ही गेव हर डैश फोन नंबर एंड शी गेव हिम डैश, ही गेव हर उन्होंने ही बॉय किसी बॉय ने अपना फ़ोन नंबर दिया, तो बॉय के लिए क्या आएगा हिज आएगा, एंड शी गेव हिम और गर्ल के लिए यहाँ पे हर आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर्स, ही गेव हर हिज फोन नंबर एंड शी गेव हिम हर्स। आगे चलिए फोन नंबर देखिए, दे गेव अस देयर फोन नंबर एंड वी गेव देम अवर्स। दे के साथ क्या आता है दे के साथ यूज़ किया जाता है देयर, तो दे मतलब वे उन्होंने अपना नंबर दिया, दे गेव अस देयर फोन नंबर एंड वी गेव देम, और वी के साथ हमेशा क्या आता है अवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अवर्स, तो सेंटेंस बन गया दे गेव अस देयर फोन नंबर एंड वी गेव देम अवर्स। नंबर 5 शी गेव हिम शी के साथ आएगा हर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर, शी गेव हिम हर फोन नंबर एंड ही के साथ हिज आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही गेव हिम हिज, ठीक है बच्चों। तो इसे एक बार ढंग से पढ़िए जहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको दिया गया है, और उसके बाद आप क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे और राइटिंग अच्छी सी बनाएंगे, ध्यान से लिखेंगे।